अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी हम भी सब खैरियत से हैं। आज का व्लॉग है जर्मनी में जो है वो डेयरी फार्म कैसे होते हैं। हम लोग भी जब से शहर में आए हैं तो हमें जब से पता चला है कि यहाँ पर फ्रेश दूध मिलता है, यहाँ पर बहुत सारे डेयरी फार्म हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी यहाँ से ट्राई करें। तो यहाँ का प्रोसीजर बहुत ज़बरदस्त था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो जी यहाँ पर हम जा रहे थे तो हमें यहाँ पर मिल गया एक सेब का दरख्त। अगर इस तरह से दरख्त नज़र आ जाएँ तो उधर से फल तोड़ के खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पर इस शहर में बहुत सारे इस तरह से रोड पे दरख्त हैं जिसमें सेब है, आलू बुखारा, नाशपाती, बहुत सारे इस तरह के दरख्त ऐसे रोड पर ही हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो मर्ज़ी जो कोई भी उतार के खा सकता है। तो हम लोग को ये नज़र आया तो बहुत ज़बरदस्त लगा। और यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो सारा व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ हम फर्स्ट टाइम आए थे क्योंकि ये गांव है तो इधर आबादी बहुत कम है और यहाँ पर इस तरह से सब्ज़ा और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त है। हम लोग यहाँ पर भी गए हैं, इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, ये भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये जितना देखने में क्लोज लग रहा है और इतना मतलब लगता है कि इतना ऊँचा नहीं है, लेकिन जब हम लोग गए थे तो ये बहुत ऊँचा था। तो बहुत ज़बरदस्त जगह थी, काफ़ी टाइम लग गया था जाते हुए, हम पैदल गए थे तो बड़ा मज़ा आया। तो मैं आपके साथ इसकी भी वीडियो शेयर करूँगी, मैंने कहा आपको भी ये व्यू दिखाऊं। हमारे घर के साथ ही ये नेबर्स रहते हैं जिनका ये डेयरी फार्म था, तो इन लोगों ने हमें बताया था किस तरह से हमारा जो है वो 2-3 डेयरी फार्म हैं, तो आप लोग भी ट्राई करें तो बहुत अच्छा दूध होता है। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो जी हम ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पर आज लेने आए हैं फर्स्ट टाइम। तो जी इनके पास ये ढेर सारी गायें हैं, भैंस जो भी है। यहाँ पर इनके बच्चों को बांधा हुआ है, छोटे छोटे से हैं। ये जो भी दिखाई हैं कि उनसे थोड़ी सी बड़ी हैं, कुछ यहाँ बाहर बंधी हुई हैं और कुछ ये जी बिल्ली हमारे पीछे पीछे ये भी यहाँ पर ही रहती है और कुछ यहाँ पर बांधी हुई हैं। काफ़ी सारी हैं, तकरीबन इनके पास 60 to 70 होंगी। बाकी हमें दिखा रहे थे सारा अपना स्टोरेज एरिया कि यहाँ पर किस तरह से वो जानवरों को रखते हैं। कुछ यहाँ पर बांधी हुई हैं इन्होंने, ये बहुत बड़ा फॉर्म था, डेयरी फॉर्म था। और बाकी इन्होंने क्योंकि ये इसके अंदर सिर्फ डेयरी ही नहीं है, इसके अंदर उन्होंने गंदम और बहुत सारी चीज़ें मशीनरी लगाई हुई है और ये इसका भी काम करते हैं, गंदम वगैरह का भी। तो उन्होंने हमें सारा विज़िट करवाया। ये देखें जी ये इतना बड़ा है जिसके अंदर ये गंदम स्टोर करते हैं। This is for the seeds.
But see, now it's nothing in there. It's empty. Maybe my brother already he sold it off. Mm. Or he doesn't use it anymore, I don't know. Barley. This one is barley. It's also not a seed. Grain. It's a grain. Okay. Barley. Another type of... Of grain. Of grain. It's barley. Come on, we can do this evening. Yeah, this is a bit... This is a little bit more hard. Another... It's a smaller one. Type. Small one. गंदम जो किस्में होती है ना ये वैसी है इस स्मॉल वन छोटे वाले सी माय ब्रदर ही फ्रॉम द यू नो फ्रॉम द ग्रेप फ्रॉम द लुक दिस इज द हार्वेस्ट ऑफ इट इज मेड लाइक दिस फॉर मेकिंग गुड ग्राफ्ट मेड द ग्राफ्ट लुक दिस इज कॉल्ड सीलो इट इज लाइक दिस वन इज फ्रॉम मेंडर सो दिस वन इज ड्राई ग्रास या And here we put the green grass, wow. And then we'll close it. And then it ferments. Mm. It's like, what do you call azar? In the winter, wow. Yeah, wow. And, oh yeah, you can come up to here. Come. Then you can see it, because the way you do it, look, here it's still full, right? See, Jan, look, you can see this one is full, right? Yeah. And here it's already empty. The cows, they eat it. So we have like here the cows come here and they eat direct. Yeah, that's a green, like chara. Okay, let me give you a little taste. Yeah, because this could fall down. You can smell it. This is the silo. We call it silo. Oh. Mm-hmm. It's the same grass like this. But, this one, right? And then you can keep it. And this is fermented because we close it and then it's fermented so it also keeps long. This harvester is for the grain. For the grains. And then it blows the grain on this truck. And then this truck brings it here, right? Then this is storage area, exactly. Yeah. And this one machine, this one, it makes those. This makes these rollers. Yeah. Okay. Die machen dann sauber, and here, und sauber und da. Business sauber machen und hier ist a scale for weighing. Okay, so hier wir clean करते हैं, clean करने के बाद यहाँ आता है, उसके बाद weight machine है ये पूरी भरने के लिए. अच्छा. And उसके बाद वो नीचे जाता है, जाके नीचे आपने बोरी लगाई होती है और automatically आप fill कर सकते हैं. Okay? Yeah. अब हम जा रहे हैं वापस घर. और ये तकरीबन हमारे घर से 10 मिनट दूर है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम भी आ सकते हैं. अगर हमें पसंद आया तो हम लोग ज़रूर आएंगे. तो देखें कितनी ज़बरदस्त जगह है, यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा था. ग्रीनरी वैसे ही जहाँ पर हो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा व्यू होता है. इन्होंने हमें सारा अपना दिखाया, अपनी ज़मीनें दिखाईं, अपना फॉर्म, डेयरी फार्म दिखाया, बाकी स्टोरेज एरिया दिखाया उन्होंने. तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, जैसे हम पाकिस्तान में दिखते हैं. शायद पाकिस्तान में भी हम लोगों ने इतना नहीं देखा होगा जितना मैंने ये फर्स्ट टाइम ही देखा है इसे. तो सब कुछ बहुत अच्छा था. गाड़ी में वो भूला है. शायद गाड़ी गुजरी ना तो नजर आया था. ये देखिए ये आ रहा है. हाँ, ये रेड कलर की गाड़ी जा रही है. हाँ, ये भी जा रही है. वो पीछे भी है. हाँ, वो सारे रास्ते बनाए हुए हैं ना, पहाड़ हैं, पहाड़ों से रास्ते बना दिए उन्होंने. तो आगे तक चले, वहाँ तक देखें क्या है.
दिस इज सेशन। हाय हाँ जी, हमारी खिड़की सामने यही नजर आता है। देखिए मैंने आपको कहा था ना, दूध मिल जाएगा फ्रेश, मिल गया ना।